एक मिनट एक मिनट। बताते चले कि मणिनाथ व्यापार मंडल का शिव मंदिर मणिनाथ पर एक आयोजन किया गया, जिसमें मणिनाथ व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष निरुत्तम आर्य ने आयोजन कराया कार्यक्रम का, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सभासद मोनू पांडे, महंत हनुमानगढ़ी के नारदागिरी महाराज जी, अन्य पदाधिकारी व बुजुर्ग बच्चे महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि ने झंडा रोहण कर राष्ट्रगान गाया, वहीं उन्होंने संदेश आम जनता व क्षेत्रवासियों को दिया। इसके बाद बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं को चाय वितरण और मिठाई का भी वितरण किया गया। देखते रहिए खबर बरेली से, अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन जरूर दबाएं। मैं नरोत्तम आर्य हूँ, मणिनाथ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में? सभी देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब से व्यापार मंडल बना है तब से हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हुए आए हैं, और आज भी समस्त मंडल के साथ में रहें, हाथ में रहें और अपने देश की बढ़ोतरी के लिए जो भी अपना 100% होता है वो करें। जय हिंद, जय भारत। साहब, मेरा नाम श्रीमान नारदाना डिग्री है और मैं हनुमानगढ़ी में मेहनत हूँ यहाँ पर। और जिस वर्षों आज के हिसाब से ये 26 जनवरी और 15 अगस्त का त्यौहार बनाते आते हैं, और सबके साथ इन्होंने प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बना रहे और ऐसी जागरूकता फैलाते रहें। सब भारत माता की जय। नाम जानना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम? हम मुझे मोनू पांडे कहते हैं, पूर्व पार्षद हूँ नगर निगम बरेली मणिनाथ से। और आज मणिनाथ व्यापार मंडल की तरफ से गणतंत्र जो हमारा स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्र जो लागू हुआ, 73वें गणतंत्र की शुभकामनाएं के साथ हम लोगों ने मणिनाथ व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम ध्वजारोहण का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मणिनाथ क्षेत्र के और नेकपुर, गणेशनगर, अशोकनगर तमाम क्षेत्रों के व्यापारीगण और यहाँ के बुजुर्ग और महिलाएं, सब मातृशक्ति वगैरह सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पे कुछ आप संदेश है कोई? बहुत अच्छी बात ये है कि आज ये हमारे को मौका है अपने अमर शहीदों को याद करने का, हमें अपने बलिदानियों को याद करने का, क्योंकि उनकी बलिदानों की वजह से ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं। अगर वो बलिदान ना होते तो हम लोग सांस नहीं ले पाते। मेरी एक अपील है पूरे समाज के साथ कि हम लोग अपने बच्चों को उन अमर बलिदानियों की कथाओं को, उनके प्रसंगों को, उनके स्मरणों को जरूर बताएं, जिससे वो हमारे बच्चे आने वाले समय में इस देश के भाग्य विधाता हो सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं मणिनाथ व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ और आज हमारे पूरे व्यापार मंडल ने 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना के साथ इस मणिनाथ व्यापार मंडल में जो झंडारोहण का कार्यक्रम किया है, हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ व्यापार मंडल का जो मतलब झंडारोहण का कार्यक्रम है, अगली साल क्या आने वाले हर समय में हम व्यापारी से यही कामना करते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे व्यापारी हमेशा एकजुट होकर के हमारे देश और देशवासियों को
सबको मतलब गणतंत्र दिवस का शुभकामनाओं के साथ मैं ये बात अपनी भाव करता हूँ। मेरा नाम मथुरा प्रसाद सागर है, मैं मणिनाथ व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। हम व्यापार मंडल के सौजन्य से हर वर्ष की भांति यहाँ पर मणिनाथ व्यापार मंडल की ओर से ध्वजारोहण हो रहा है। आज 26 जनवरी की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्यापारियों का बहुत बहुत सहयोग रहता है और हम आशा करते हैं इसी तरह से सभी व्यापारीगण यहाँ पर एकता बनाए रहे और आगे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सभी से मेरी यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।